मार देंगे मुंह फट जाएगा। उखाड़ के फेंक दूंगा। चाबी तो पहले छोड़ो भैया, चाबी नहीं देंगे हम, फाइटिंग हो जाएगा। अरे भाई कॉलर हमको ही पकड़ना आता, ठीक है। हेलो एवरीवन, फिर स्वागत करते हैं सबका एक और न्यू वीडियो में। भाई पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, हम आ गए हैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो फिलहाल अभी हम हैं अंबिकापुर मंडी के आसपास में, तो फिलहाल रुके हुए हैं, सबको ही है, बहुत सारे गाड़ी वाले हैं, देख सकते हैं पीछे पूरा गाड़ी का लाइन लगा होगा। वो देखिए पूरा पीछे लाइन लगा है ना, यहाँ पे देखिए पूरा पूरा लाइन लगा है। और हमारे प्रदीप भाई वहाँ पे बात कर रहे हैं व्यापारी से, क्योंकि यहाँ पे भाई बुकिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, बुकिंग करा कब कन्फर्म होगा कुछ ठीक नहीं है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड छत्तीसगढ़ से कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी कॉमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। कूलर ने अगर चेक करना था तो पहले ही खोल के रख दिया था, चेक अगर कर लिया। अब इसको करते हैं बंद और यहाँ से निकलते हैं पहले चाय के दुकान में, चल के मस्त चाय अगर पियेंगे। चला जाए भैया चाय पीने। सो अभी हम लोग अंबिकापुर में टहल रहे हैं, सुबह सुबह हम लोग अभी जा रहे हैं चाय का दुकान। कहाँ है चाय का दुकान भाई? मंडी में friend, हाँ। ये हमारे चुंडी भाई। तो चलिए चलते हैं, मस्त चाय अगर पियेंगे और अगर कुछ नाश्ता अगर मिलेगा तो नाश्ता भी कर लेंगे, क्योंकि कल रात का ही खाना का रखा था। और अभी दिन का कितना, 8 बज गया कि 9? चेक करिए जल्दी 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 8:59 बजने वाला है, 9 बजने वाला है। इसीलिए भाई हम कह रहे थे काहे के लिए भूख लग गया भाई हमें सुबह सुबह। सो हम लोग अभी अंबिकापुर मंडी के अंदर घुस रहे हैं, ये मेन मंडी, ये सब्जी मंडी बोल सकते हैं। और पूरा हर एक सामान आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ऐसा नहीं खाली सब्जी मिलता है, हर एक सामान यहाँ मिलेगा, सब्जी के अलावा जो भी चाहिए आपको। ये देखो भाई, भाई साहब सही किया हम लोग अपना गाड़ी को उधर लगा के आया, मंडी के अंदर अगर आते ना तो हालत खराब हो जाता, क्योंकि भाई पैदल चलने वाले को जगह नहीं है तो कहाँ से गाड़ी लेके जाते क्या भाई। पूरा भाई भीड़ लगा है, सब्जी मंडी पूरा लग चुका है सुबह सुबह। छत्तीसगढ़ का नंबर है, लोकल नंबर CG15। ये देखो देख रहे हो भाई, 2.0 दो टन पासिंग। सो ये है कुछ पूरा मंडी, यहाँ से आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए कौन कौन इधर से देख रहा है भाई, कमेंट करके आप लोग बता देना भाई। ये देखो राजी चाह बढ़िया है ना। फिलहाल भाई आ चुके नाश्ता के दुकान पे, यहाँ पे निकल रहा भाई गरम गरम कचौड़ी, वो भी मैदे वाला है ना भैया, मैदे का कि आटा? आटे का। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई आटा वाला निकल रहा है कचौड़ी, हम लोग बनारस से पूरी बोलते हैं। और यहाँ पे सब्जी वगैरह भी है। ये देखिए भैया हम लोग का 2 प्लेट लगा दीजिए, ठीक है। इधर आ चुका भाई अपना नाश्ता, खा के टेस्ट करते हैं कैसा है। टेस्ट किया भाई, पेट भरना है। चलो भाई गरम गरम है। जाओ जाओ जाओ, चलो चलो चलते रहो, थोड़ा सा आगे पीछे रहे चप्पल। जाओ जाओ निकालो निकालो आराम से आराम, जाओ 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 जाओ। सो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने गाड़ी के पास में, नाश्ता पानी चाय पानी सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। मंडी का भीड़ चेक कर रहे हो भाई, जबरदस्त वाला भीड़ है यार। ये चेक कर रहे हो भाई, इतना सारा सिक्का मैंने आज यहाँ पे कमाया है, ये देखो इतना सारा कमा लिया है। और यहाँ पे इतना सारा और अभी कमाना बाकी है भाई, ये देखो इतना सारा कमाएंगे और हमको बहुत अच्छा लग रहा है इतना सारा पैसा कमा के। फटा हुआ पैसा भी हमारे पास में है और देखो सिक्का भी है, देखो ये देखो इतना सारा सिक्का मैंने आज कमाया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये वाला सिक्का भी है भाई, ये वाला सिक्का 100 रुपये का नोट। सो फिलहाल आ चुके अपने गाड़ी के पास में, इधर देखो पहले यहाँ से शुरू करते हैं और इधर पीछे, ठीक है। और अभी दिखाते हैं इस साइड का, ये देख रहे हो भाई तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है। ये देखो एक लाइन से इधर पूरा बुलेरो और इधर भी पूरा बुलेरो लगा हुआ है भाई, आपको एक भी गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगा टाटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना टाटा गाड़ी को लेकर काफ़ी समस्या है, टाटा गाड़ी जल्दी लोडिंग कोई करवाता नहीं है। और देखो कहीं बुलेरो, सिर्फ बुलेरो मिलेगा भाई, देखो पूरा का पूरा इधर बुलेरो मिलेगा भाई, पूरा बुलेरो देखो। पहाड़ों का राजा है भाई, पहाड़ों का राजा है बिल्कुल, पहाड़ घाट में एकदम चलने के लिए बवाल आ रही, मुंह में डाल दोगे क्या कैमरा। एक बात आप बताइए, ए रिपोर्टर एक बात बताइए पहले, यहाँ पे सुना है कि टाटा गाड़ी जल्दी लोडिंग नहीं देता है, ऐसा कोई बात नहीं? टाटा अशोक लीलैंड ये सब का लोडिंग कोई नहीं है, दूर के लिए लोडिंग नहीं देगा, पास के लिए लोडिंग दे देगा, आसपास में 150 किलोमीटर। हाँ हाँ, जैसे हम लोग को बनारस जाना हो तो यहाँ से लोडिंग नहीं देगा, नहीं देगा उनको, भरोसा ही नहीं, भरोसा नहीं है इस गाड़ी। ये जूत भी है एक हमारे, दिखा दूंगा, उनकी 2005 मॉडल गाड़ी है, आज 2023 चल रहा है। अच्छा इतना हो गया 18 साल, अभी तक चला रहे हैं वो, बोले 13 साल हो गया। वो कौन सा गाड़ी है? वो हो गया लगभग, कौन सा गाड़ी, कौन सा है? 18 साल हो गई लगभग गाड़ी, कौन सा मैक्स है? मैक्स पिकअप है, तो वही मैक्स पिकअप लेके 18 साल चला रहे हैं। मंडी में वो खड़ा हो जाए, हाँ
सब दुकान वाले बोल देंगे लाद ला लाद लो, इतना भरोसा है। अरे बाप रे बाप। और तो गाड़ी, रहे? गाड़ी में बैठ जाओगे ना कान दर्द करने लगेगा आवाज से, किच 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 आवाज करता है भाई। तो ये होता है बोलेरो का ताकत। तो ये देखो पूरा बोलेरो एक लाइन से, एक भी आपको यहाँ पे कुछ और कंपनी का कुछ भी दिखेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोलेरो। तो आप लोग ये सोचिए हमारे चाचा जी इतना प्यार करते हैं। चाचा जी कैसे हैं आप? ठीक हो? बढ़िया है। आप छत्तीसगढ़ से हैं? तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो काफी प्यार देते हैं, वीडियो डेली देखते हैं मतलब आप? अच्छा अच्छा, देख के पहचान गए। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। तो आपका यहीं का लोकल गाड़ी है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा जी नमस्कार। और सब बढ़िया चाचा जी? चलिए चलिए ठीक, ऐसे आशीर्वाद प्यार बना रखिए। ठीक है, फिलहाल आए हिरमाना खरीदने के लिए। हम लोग सोचे थे कि भाई उड़ीसा का हिरमाना खाया जाए, प्रदीप भाई अगर बोलेंगे तो ले लेंगे। तो हिरमाना का ये साइज देखो कितना, 5 किलो का है, एक 7-8 किलो का एक एक है, बहुत बड़ा है। 8 किलो कौन खाएगा? लेकिन काफी अच्छा है, देखिए लाल लाल भी दिखाओ भाई, कहाँ का? उड़ीसा का। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है ना कि काफी ओल्ड तरीके से जीते हैं यहाँ के लोग, टिपिकल चीजें मतलब जो हमारी मम्मी दादी, हाँ हमारी मम्मी दादी जो खाया करती थी वो सब चीजें भी यहाँ पे मिलता है। तो ये देखिए ये क्या चीज का है दादी? सरई। सरई क्या होता है? मुझे भी नहीं पता है, पर इतना मतलब क्या चीज का लकड़ी है? सरई का लकड़ी है ना, इसे मंजन करते है ना। तो देखा होगा सरई का लकड़ी ये कौन सी होता है, हम लोग तो दतमन से भी करते थे कभी कभी बचपन में, लेकिन सरई का देखिए ये यहाँ का दतमन करते है ना। और ये क्या है, खाने का चीज है कुछ? आप खाने के लिए क्या है ये? तो ये देखो भाई ये क्या चीज है? गैठी कांदा। तो ये सब्जी बनता है मूल जैसा है, कच्चा खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं ये, खा के देखिए कैसा है ये भाई। आलू के कुछ टेस्ट नहीं है, ये सादा है यार एकदम, मतलब कुछ भी टेस्ट नहीं है। आंटी बोल रही है पेट साफ करता है। नहीं नहीं खाएंगे, पैसा दो। पैसा से कितना दे? इसका 10 रुपया दे दो दादी को। तो अभी एक और दुकान में आ गए, यहाँ पे कच्चा हल्दी तो हम देखे थे, कच्चा हल्दी खाए भी बचपन में नमक लगा के। ये क्या चीज है? रिंगराज। क्या बनता है? सब्जी बनता है? हाँ ये देखो सब्जी बनेगा इसका। हाँ, वो देखो पहले वो जो सूखा। और ये क्या चीज है? वो जो सूखा बेच रही थी वही। ये देखो भाई कितना अच्छा सूखा था वो यहाँ पे वो है। अच्छा इसका क्या, इसका भी सब्जी बनेगा? तो भाजी बनेगा भाई, देखिए कितना अच्छा है और एकदम ताजा, अभी आंटी लोग तोड़ के लेके आ रही है। ये हमारे यहाँ भी होता है। हाँ ये तो होता है, और देसी अंडा अगर अभी रखा हुआ है। अरे एक यूनिक चीज और दिखा भाई, इधर दिखाओ ना यार, ये दिखाओ। ये क्या चीज है बताइए? टमाटर है, छोटा वाला टमाटर। छोटा टमाटर है भाई, मक्को नहीं है। थोड़ा खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो ये जंगली होता है ना, इसको जंगली बोलते हैं? नहीं जंगली नहीं, लोकल लोकल टमाटर। तो भाई ये लोकल टमाटर है, देखिए कैसा ना एकदम खट्टा है। देख आप खाइए ना बड़ी भाई, घुमाइयो, मैं ब्रश कर रहा हूँ। ये टमाटर है भाई, देखिए देसी मुर्गी का अंडा, देसी मुर्गी का अंडा, घरे का अंडा है। तो काफी टेस्टी है यार, सही बता रहे हैं, लेकिन टेस्ट है काफी, बहुत अच्छा लग रहा खाने में यार। भाई जड़ी बूटी देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में जड़ी बूटी भी कड़ी मिलता है। तो क्या क्या चीज का जड़ी बूटी बेचते हैं चाचा? बहुत चीजें का है, बताइए ना थोड़ा सा, एक एक को छू के बताइए, ऐसे एक एक को दिखा के बताइए हमें आप। ये बलराज है। ये बलराज क्या काम करता है? ये बलराज जैसे कि शरीर में कमजोरी है, ताकत है। अच्छा ठीक है समझ गया। ये वाला हर्रा है। और ये क्या है? थोड़ा उठ के बताइए, थोड़ा सा अच्छे से बताइए, सब कुछ बताइए। आपका वीडियो छत्तीसगढ़ में पूरा वायरल होने वाला है और 10 मिलियन आदमी देखेगा आपको, ठीक है? चलिए ये देखिए, ये एक एक बताइए आराम से बताइए। चलिए ऑटो प्रदीप भाई एक मिनट, ये बताइए क्या बताइए? ये कुलंजन है। ये क्या काम करता है? ये जैसे गला साफ करता है, गले के अंदर से गैस पचन लगता है। करे भाई थोड़ा सा फुल्की खाने का मन कर गया, तो भैया जा रहे थे तो हम सोचे भाई थोड़ा फुल्की अगर अभी खा ही लेते हैं। तो इधर प्रदीप भाई खा रहे हैं, इधर हमारा भी लग रहा है, खाएंगे मस्त मजा आएगा। लेकिन हम फुल्की सोच रहे हैं ऐसे खाएं। मजा आ रहा है, खट्टा मजा आ रहा है, और गर्मी में खट्टा चीज खाना चाहिए। फिलहाल भाई अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है गाड़ी लोडिंग, लेकिन भाई अपना अभी तक लोडिंग कंफर्म हुआ नहीं है, तो दोपहर का 3 से ऊपर हो गया है। हम लोग सोच रहे थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं। अच्छा
भाई ठेला आगे कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी यहीं पे लगाना है, और सामने है ढाबा, ढाबा पे खाना अगर खाएंगे, कल रात को यहीं पे खाया था हम लोगों ने, खाना अगर लग चुका है। तो इधर है फिश करी, तो देख सकते हैं पता नहीं कौन सा मछली, भाई रोहू है भैया ने बताया था। तो चलिए कोई नहीं, फिनिश करते हैं फटाफट करके। खाना पीना अपना हो चुका है, लेकिन भाई बता दें बंगाल कैसा मछलियाँ नहीं मिला, खाना खा के बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया। हाँ कल रात का पनीर थोड़ा सा मुझे जम रहा था, लेकिन वैसा नहीं था, फिर भी ठीक है, खाना मिल जा रहा है इतना ही काफ़ी है भाई। देखो भाई क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, नहीं पता क्या जा रहा है। देखो चलो सिग्नल खुल गया भाई, 3 सेकंड बंद हो जाएगा। अरे भाई प्रदीप भाई का गाड़ी तो लोड हो चुका है, वो अपना निकलेंगे कहीं पे, उनको जाना ऐसा जमनिया साइड के लिए, तो अपना गाड़ी अभी बुक नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे रात को 9 बजे तक भी बुकिंग निकलता है, अगर मिल जाएगा तो भाई अपना तो आज बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर देखा जाएगा कल का करेंगे, कल मिल जाएगा तो और बढ़िया है। तो सोचलिए फिलहाल अभी चल रहे हैं अपने गाड़ी के पास, मतलब गाड़ी तो लिए ही हुए हैं, जहाँ पे गाड़ी को पार्क करना है वहाँ चल रहे हैं अभी। बता दे भाई प्रदीप भाई का गाड़ी तो बुकिंग में चला गया है, मतलब अभी चला नहीं गया, वहाँ पे जाएगा कुछ देर में, बुकिंग उनका कंफर्म हो चुका है, हमारा अभी कंफर्म नहीं हुआ बुकिंग, पता नहीं कब तक होगा, आज होगा या फिर कल होगा, ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अंबिकापुर में ना यहाँ पे रात को 9-10 बजे तक भी गाड़ियाँ निकलता है लोड होके। तो अभी प्रदीप भाई हमारे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भाई अपना यहाँ पे खुद का कोई पर्सनल सेटिंग तो यहाँ पे है नहीं कि भाई बुकिंग मिल जाएगा, तो देखते हैं जैसा भी हो, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा हमें। तो प्रदीप भाई भी सुबह सुबह से बैठे बैठे अभी उनका गाड़ी बुक हुआ है। डकलो मत कॉलर पकड़ के, मार देंगे मुंह फट जाएगा। अभी पहले को सुबह बोला था गाड़ी हटाने के लिए, ए क्या बोला था सुबह? सुबह बोले थे मालिक अभी सोए हुए हैं, बताइए क्या सोए हुए हैं, कहाँ सोए हुए हैं, पहले क्या गजब बात बोल रहे हैं। अरे अभी आपके घर के सामने बहुत, तो घर के सामने ही सुबह बोला था ना गाड़ी हटाने के लिए। एक नहीं नहीं क्या देखिए, हम क्या बोले थे कि हमको आने जाने में, नहीं बात नहीं सुनना है हमको, आने जाने में दिक्कत होता है। सब क्या कर रहे हैं, क्या तमीज से रहो भाई, अभी हाथ नीचे कर, पहले बात करो। यहाँ इतना गाड़ी लगा, सब चूतिया दिख रहा है तुमको, गाड़ी नहीं लगा यहाँ पे, हमारे घर के सामने तेरी गाड़ी है बस। हाँ तो क्यों है, कहाँ घर है दिखाओ, हमारा घर इधर है, तो हटा ले रहे, प्यार से बोलो आके जगा दिए, प्यार से बताया तुमको। अरे गाड़ी हटाने के लिए बोल रहा है यार, बताओ आदमी सोया हुआ है, गाड़ी हटाने के लिए डर बोल रहा है, आके बताओ कॉलर सोलर पकड़ रहे, कौन बात होता है। तुम हमारे घर के सामने गाड़ी क्या लगा दी इतना बताओ। अरे यार तो सुबह तुम कहाँ थे उस समय, कहाँ थे उस समय, घर पे थे, तुमको बोले थे कि नहीं इतना बताओ, तुमको बोला था कि नहीं गाड़ी हटाने के लिए, तुमको सुबह गाड़ी हटाने के लिए बोला था कि नहीं, सिर्फ इतना बताओ। सुबह बोले थे ना, घर के अंदर से बोले थे कि बाहर आके बोले थे, ये बताओ। तो बाहर आके बोल तो रहा हूँ, देख रहे भाई, भाई कॉलर हमको ही पकड़ना आता, ठीक है डकलो मत कॉलर पकड़ के, मार देंगे मुंह फट जाएगा। अभी चूड़ी नहीं पहन के आए, हमारे पास भी आते, तुम हमारे घर के पास गाड़ी भी खड़ा के उसके बाद झगड़ा भी करोगे, खड़ा करेंगे सब गाड़ी, खड़ा है देखो गाड़ी नहीं खड़ा है, और सभी सब क्या करेंगे लेंगे, तुम छोड़ रहे हो कि नहीं, नहीं छोड़ेंगे, तू छोड़ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने भी मुंह पे मार दूंगा फट जाएगा, हमारे पास भी आता, हम भी मार सकते हैं, छोड़ चाबी, नहीं चाबी नहीं देंगे, चाबी छोड़, कैसे नहीं देगा चाबी, रुको चाबी मिल गया, चाबी दो, नहीं देंगे चाबी, भाई देखिए पूरा गाड़ी खड़ा है यार, हमको परेशान कर रहा है, नहीं देंगे चाबी, भाई कहाँ चलोगे यार। तो चाबी अगर मिल चुका है, एक्चुअली ऐसे ऐसे लोग है ना इंसान, अब आप सोचिए गाड़ी हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, इसके वजह से उसको तकलीफ है कि उसके घर के सामने गाड़ी लगा है। आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए पीछे देखिए कितना गाड़ी लगा है, देखिए देख रहे हैं कितना सारा गाड़ी लगा हुआ है, तो आके यहाँ पे गुंडागर्दी कर किया जा रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ड्राइवर हैं तो इसी वजह से कहीं दूर आए घर छोड़ के यहाँ पे झगड़ा अटे करेंगे, वो लोग लोकल है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं गाड़ियाँ से हटा देते हैं। और ये सब जो गाड़ी वाले हैं रोज लगाते हैं, मैंने पूछा है, बोल रहा है कि परेशान करता है ये सबको थोड़ा बहुत, तो क्या कर सकते हैं बताइए, शेयर करिए ज़्यादा से दबा के वीडियो को, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं कभी कभी सफर में, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते ना भाई, कहीं कहीं पे धरना पड़ता है, नहीं तो भाई अपने पास भी हाथ है मार सकते थे, लोकल बंदा है 10 लोग को बुला के लेके चला आएगा, ये ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है हमेशा तो नहीं, कभी कभी होता है, झेलना पड़ता है हम लोगों को। तो चलिए कोई नहीं, वीडियो को शेयर करिए एंड देखते हैं फिर आगे क्या होता है, अभी फिलहाल तो गाड़ी हटाना पड़ेगा हमें यहाँ से। तो भाई ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि देखिए गाड़ी वाले क्या है ना, कि बहुत जगह पे गाड़ी वाले को बहुत परेशान किया था, सबसे बड़ी बात समझने कोशिश करिए, इतना ज्यादा परेशान किया था, कहीं पे सोया है ड्राइवर उसको भी जगा के भगाया जाता है, कभी कोई आके डंडा मार देता है,
तो ये सब चीजें ना करो भाई, हाथ जोड़कर यही निवेदन है। तो ये वीडियो काफी दिनों से आप सुन रहे थे कि ऐसे कोई वीडियो बनाए, मतलब इसी तरीके से परेशान किया जाता है जिस तरीके से आप लोगों ने ये देखा। तो ऐसा ना करो, हम लोग भी ड्राइवर है, इंसान है यार, और देश के लिए काम कर रहे हैं। गाड़ी का चक्का चलता है तो आप लोगों के पास में सब्जी, दाल, राशन, लोहा, लकड़, घर का सामान, अगर हर एक चीज वो आप लोगों के पास पहुंचता है। तो ऐसा ना करिए, ड्राइवर का इज्जत करिए। ये सब वीडियो हम लोगों ने बनाया है तो केयर करिए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हो चुका है सुबह, आप सबको मॉर्निंग बता दे भाई, रात को सो गए थे जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो अभी जस्ट उठे हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, एंड दूसरा ब्लॉग अभी चालू करना है, देखते हैं आज लोडिंग हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। जैसा भी होगा आप लोग को नेक्स्ट वाले ब्लॉग में जरूर पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टा आईडी है BDM ब्लॉग। मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट ब्लॉग में।